मिस्र के प्राचीन काल की बिल्ली जो 4000 सालों से जिंदा है वो लड़की की लाश पर कदम रखती है। बिल्ली ने एक गहरी सांस ली जिससे लड़की की लाश जिंदा हो जाती है। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें बिल्ली की तरह गोल से अंडाकार के आकार की हो गई। लड़की फिर धीरे धीरे ऊपर उठती है और उसने पाया कि उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था और वो ऐसा था कि वो दूर से उड़ रहे बड़े पक्षियों को उड़ते हुए देख सकती थी जैसे कि वे उसकी आंखों के सामने हो। उसने फिर जमीन पर देखा तो वो चींटियों के पैरों के बालों को आसानी से देख पा रही थी। ऐना अपने हाथों और पैरों को फैला लेती है फिर एक बिल्ली की तरह जमीन पर रेंगने लगती है। जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो वो आसानी से दूसरी मंजिल पर लंबी छलांग मारकर चली जाती है। अगले दिन ऐना गलती से शेल्फ से गिर जाती है लेकिन वो सुरक्षित अपने हाथों पैरों की मदद से नीचे आ जाती है। ऐना ने शेल्फ को देखा और सोचा कि वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी रात के बीच में एक पार्टी कर रहे थे लेकिन ऐना को उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए ऐना दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फिर मेज पर कूदकर उसने एक पानी वाली बंदूक पकड़ ली। फिर उसने पानी को बज रहे स्पीकर पर डालना चालू कर दिया। इस प्रक्रिया में उसने लंबे बालों वाले आदमी के शरीर की सफाई कर दी। फिर वो आदमी के ऊपर कूद जाती है पर उसकी छाती पर अपने पैर रख दिए। जब वो घर जाती है तो एक तंग चमड़े की कॉस्ट्यूम को पहन लेती है और आखिरकार वो एक कैट वुमन बन जाती है।